दिस वीडियो इज पावर्ड बाय 11wickets.com। दोस्तों अगर आप मैच के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मैच प्रेडिक्शन से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों लगातार जो लीग्स चलती रहती तो उनमें से आप कोई भी लीग ज्वाइन करिएगा तो दोस्तों यहां पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट में आपको 11 खिलाड़ी चूज करने होंगे। तो यहां पर आप जब मैच जीतेंगे तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अगर आप मेरी दी हुई लिंक से ज्वाइन करेंगे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों MI A3 के बारे में तो बहुत सारे पहले से लीक्स आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब जो एक न्यू लीक आया है ना, तो ये तो भैया धमाल ही मचाने वाला है। दोस्तों बता दूं, अब जो Redmi K20 है वो इंडिया के अंदर बनकर आ सकता है MI A3। तो ये अब यहाँ पर इसके जो रूमर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ क्यों ये लॉन्च हो सकता है MI A3 बनकर, और यहाँ पर क्या डिफरेंस रहने वाला है, और क्या यहाँ पर रूमर्स है, ये सभी कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज यहाँ पर 28 तारीख, तो और दोस्तों आज के ही दिन लॉन्च हो रहा है यहाँ पर Redmi K20 और Redmi K20 Pro चाइना के अंदर। चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में यहाँ पर Redmi K20 के बारे में कि ये भी तो आज लॉन्च हो रहा है, साथ ही यहाँ पर ये इंडिया के अंदर अब बनकर आएगा MI A3। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास वाली नोट पर लिखा आइकन आएगा तो आपने उस पर क्लिक कर देना। साथ ही आपने इस वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर Redmi K20 के बारे में। दोस्तों बता दूं, जो Redmi की तरफ से दो डिवाइस आने वाले हैं, एक Redmi K20 और एक Redmi K20 Pro, तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहने वाला है। जो Redmi K20 Pro होगा वो आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 के साथ में, लेकिन जो रहने वाला है यहाँ पर Redmi K20 वो आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 के साथ में। अगर इसके बाद में देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला था यहाँ पर MI A3, तो उसमें भी यहाँ पर रूमर्स लगाए जा रहे थे कि उसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730। तो जब यहाँ पर जो Redmi K20 आने वाला ना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 के साथ में, तो यही वाला जो Redmi K20 होगा ये इंडिया के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होकर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो बनकर आएगा इंडिया के अंदर MI A3। जबकि जो Redmi K20 Pro रहने वाला है वो इंडिया के अंदर Poco F2 बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर ये 100% रूमर्स आने इसके स्टार्ट हो चुके हैं, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो टेक यूट्यूबर्स हैं, तो वो भी यही बता रहे हैं इंडिया वाले कि भैया जो Redmi K20 होगा वो तो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है MI A3 बनकर, जबकि जो Redmi K20 Pro होगा वो बनेगा Poco F2। अब देखा जाए यहाँ पर Redmi K20 में आपको क्या कुछ मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है बिग डिस्प्ले जो है 6.39 इंच की, जो एक एमोलेड डिस्प्ले है जो आती है फुल व्यू के साथ में। साथ ही यहाँ पर मिलता है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पॉप अप सेल्फी कैमरा। अगर बात की यहाँ पर कैमरा की तो आपको बैक में ट्रिपल कैमरे के साथ मिलता है, जिसका जो प्राइमरी सेंसर है वो 48MP का रहने वाला है, और बाकी जो सेंसर होंगे एक अल्ट्रा वाइड लेंस रहने वाला है और सेकंड रहने वाला है डेप्थ सेंसर। उसके बाद में अगर बात की हम फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मोटराइज पॉप अप सेल्फी कैमरा देखने मिलने वाला है, जो होगा यहाँ पर 20MP का। अगर इसके बाद में बात की जाए यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको Redmi K20 या फिर MI A3 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 देखने को मिलने वाला है। अगर बात की यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी आपको 4000mAh के मिलने वाली है विद क्वालकॉम क्विक चार्ज। साथ ही आपको यहाँ पर USB Type-C 3.5mm ऑडियो जैक और IR ब्लास्टर भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में अगर बात की है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर जो MI A3 इंडिया के अंदर बनकर आएगा ना, तो उसमें आपको Android 1 प्रोग्राम ही देखने मिलने वाला है, जो वेट होगा Android Pie 9.0 पर। अगर बात की जाए इसका प्राइस की, जो इंडिया के अंदर MI A3 या फिर Redmi K20 बनकर आएगा, तो उसका जो प्राइस इंडिया के अंदर स्टार्ट हो सकता है 15 या फिर 16,000 रुपये से।